हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो अभी तक हमने क्या किया था कि खलजी एंड तुगलक्स के अंडर में दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ था। इन्होंने क्या किया कि कैंपेन्स को सेट किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैंपेन। इंटरनल में क्या था, देखिए ये जो पार्ट मैं बता रही हूँ ये ऑलरेडी हम पार्ट वन में कर चुके हैं और ये पार्ट टू है, ठीक है। ये पार्ट टू है, ये क्लास 7 की हिस्ट्री है, थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का पार्ट टू है। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें और अच्छे से समझ के आप आगे बढ़ें, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि लॉन्ग चैप्टर था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्होंने जो खलजी एंड तुगलक्स थे इन्होंने कैंपेन्स को सेटअप किया, एक तो इंटरनल कैंपेन और एक एक्सटर्नल कैंपेन। इंटरनल में क्या किया, जो दिल्ली थी ना उसके जो आसपास के एरियाज थे अराउंड दिल्ली वहाँ पे एक्सपेंशन करने के लिए इन्होंने कैंपेन सेटअप किया। और एक्सटर्नल में क्या था, जहाँ जो दिल्ली से बहुत दूर के जैसे कि हिंटरलैंड, जो कोस्टल एरियाज़ के आसपास के पोर्ट्स वगैरह होते थे वहाँ पे, जहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम बहुत सही था सदर्न इंडिया की तरफ, तो काफ़ी जगहों पे जो मच बियॉन्ड दिल्ली एरियाज थे वहाँ पे एक्सपेंशन करना इन्होंने स्टार्ट किया। तो ऐसा, अब देखिए जब इतना बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने इतना बड़ा एक्सपेंशन के लिए इन्होंने कैंपेन्स के सेटअप किया और एक्चुअल में इन्होंने रूल किया भी, तो उसके लिए इनको एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी जो बहुत अच्छे से काम कर सके, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सिर्फ एरियाज़ को जीतना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, जहाँ पे लॉज, पॉलिसीज़ एंड फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके बात की जा सके, डिस्कस किया जा सके। तो अभी हम वही पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम, मतलब एक किंगडम की कंसोलिडेट फाउंडेशन के लिए, एक मजबूत नींव के लिए इनको दिल्ली सल्तनत को रिलायबल गवर्नर्स चाहिए थे। रिलायबल मतलब जो इनसे कभी धोखा ना करे, लॉयल। और इनको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लेवल पे चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे जो रिलायबल हों, लॉयल हों और इनकी बातों बात माने और इन पे डिपेंडेंट रहें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनके पास एक ये रूल इनका था कि इनको एरिस्टोक्रेट्स नहीं चाहिए थे। अब मैं आपको पहले ये मीनिंग बता देती हूँ, एरिस्टोक्रेट क्या होता है। जो हाई सोसाइटी या हाई सोशल रैंक वाले लोग होते हैं ना, वो एरिस्टोक्रेट होते हैं। अब उनको ना एज अ गवर्नर चूज़ किया जाता था पहले के टाइम पे, लेकिन दिल्ली सुल्तान्स को ये नहीं चाहिए थे क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कभी भी ये धोखा इनके साथ कर सकते हैं। तो इनको ऐसे लोग चाहिए थे दिल्ली सुल्तान को जो बिल्कुल वफादार हों, ठीक है। तो इन्होंने जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनको अपॉइंट नहीं किया। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि इल्तुतमिश ने क्या किया था कि रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए स्पेशल स्लेव्स को परचेज किया, और परचेज किसके लिए किया, मिलिट्री सर्विसेज के लिए। अब मैं यहाँ पे पहले स्लेव्स का ये बता देती हूँ कि स्लेव्स की हालत क्या होती थी। पहले स्लेव्स को वैसे काम के लिए रखा जाता था, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया, इन्हीं स्लेव्स को हाई रैंक दे दी। अब सोचिए आप किसी स्लेव को आप हाई रैंक देंगे तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, उसी इंसान पे डिपेंड रहेगा जिसने उसे हाई रैंक दी है। तो ये जानबूझ के ऐसा करते थे। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, स्पेशल स्लेव को मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज किया। अब जो स्लेव्स को मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज करते हैं उनको पर्शियन में क्या कहा जाता है, बंदगन। अब आपको ये वर्ड याद रखना है, बंदगान या बंदगन, आपको ये वर्ड याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि इल्तुतमिश ने फेवर किया था, यहाँ पे इल्तुतमिश का एग्जाम्पल दिया गया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। अब देखिए जो इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या किया, इन स्पेशल स्लेव्स को केयरफुली ट्रेंड किया, ठीक है, ताकि वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्नर वाला जो जो वो चाहते थे रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, वो अच्छे से सेटअप हो पाए। अब क्या हुआ कि जो ये स्पेशल स्लेव्स होते थे ये बिल्कुल डिपेंडेंट होते थे, ये एरिस्टोक्रेट की नहीं है, एरिस्टोक्रेट की तरह नहीं होते थे कि ये, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होता है वो इंसान कभी भी धोखा कर देता है इन लोग राजा के साथ। तो इनको ऐसे चाहिए थे जो बिल्कुल इनके खास बन के रहें। तो ये जो स्पेशल स्लेव्स होते थे ये बिल्कुल डिपेंडेंट होते थे अपने मास्टर के ऊपर, ओके। और मास्टर या जो सुल्तान इनका है वो इनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकता था और इन पे विश्वास कर सकता था, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करके करते हुए चलते हैं।
देखिए, खलजी एंड तुगलक ने भी इल्तुतमिश के बाद बंदगान को कंटिन्यू किया, और बंदगान में इन्होंने हम्बल बर्थ वाले लोगों को रेज़ किया जो कि इनके क्लाइंट्स होते थे या स्लेव्स होते थे। क्लाइंट्स कौन होते हैं? वो लोग जो हायर पोजीशन वाले लोगों पर, हायर पॉलिटिकल पोजीशन वाले लोगों पर डिपेंड रहते हैं। अब तुगलक ने एंड खलजीज ने इन लोगों को जनरल एंड गवर्नर के तौर पे अपॉइंट कर लिया। अब ये जो स्लेव्स और क्लाइंट्स रहते होते थे, ये अपने मास्टर से ही सिर्फ लॉयल रहते थे। मास्टर के जो सन होते थे या जो उनकी फैमिली होती थी, उनसे ये लॉयल रहे, ऐसा कोई रूल नहीं था। समझे आप मेरी बात? ये देखिए यहाँ पे कि ये अपने मास्टर से लॉयल रहते थे लेकिन उनके हेयर से लॉयल नहीं रहते थे। ठीक है, उनके हेयर से लॉयल नहीं रहते थे। अब जो उसका सन होगा, सपोज कीजिए ये किंग है, इसके बाद इसका जो सन है वो राजा बनेगा, तो ये सन का जो खुद का स्लेव होगा, खुद का सर्वेंट होगा, ठीक है, इसका जो सर्वेंट था किंग का, वो इसके लिए लॉयल रहे ऐसा जरूरी नहीं था। ओके, समझे मेरी बात? तो नया सुल्तान जो भी आता था उसका खुद का सर्वेंट होता था। अब प्रॉब्लम ये आई कि ये जो ओल्ड मतलब नया मोनार्क जब आता था, मतलब जो नया राजा आता था, अब उनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जो पुराने वाला मोनार्क है एंड नए वाला, मतलब जो पुराना राजा है जो ओल्ड है और अभी जो नया बना है, उन दोनों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट्स होते थे क्योंकि दोनों के अपने अपने स्लेव्स होते थे। ठीक है, और जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि जब इन ये लोग स्लेव्स को अपॉइंट करते थे तो इनको त्वारिक्स, त्वारिक जिसे जिसे हमने प्लूरल वर्ड में पढ़ा था, ये पर्शियन में पर्शियन वर्ड होता है। अब ये त्वारिक क्या थे, इन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया दिल्ली सुल्तान्स को, सभी सुल्तान्स को, क्योंकि वो लो बेस जो लो बोर्न पीपल होते थे, जो स्लेव्स जिसे बोलेंगे हम, उन लोगों को ये हायर पोजीशन देने लगे और अरिस्टोक्रेट को ये हायर पोजीशन नहीं देते थे। तो इस चीज़ को ऑथर्स ऑफ पर्शियंस ने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया, मतलब इसकी आलोचना की। अब आप एक चीज़ समझिए, हमने ऑलरेडी पीछे चैप्टर में किया था जेंडर डिस्टिंक्शन, जेंडर डिस्टिंक्शन एंड बर्थ के ऊपर हमने पढ़ा था, उसमें भी यही बात दी गई थी, क्योंकि ये जो त्वरिक थे, ये इनको जो राजा होते थे इनको सजेशंस देते थे, ठीक है, और इनका सजेशन माना भी जाता था, और ये ज़रूरी नहीं था कि किंग इनका सजेशन माने ही माने, ये रूल नहीं होता था, लेकिन हाँ त्वरिक जो है इनको सजेशन देते थे, क्योंकि त्वरिक ये चाहते थे कि जो सोशल ऑर्डर है वो बना रहे, जो स्लेव्स हैं वो सिर्फ स्लेव्स रहें, लेकिन इन्होंने स्लेव्स को हायर पोजिशन दे दी जो दिल्ली सुल्तान्स थे। आप समझे मेरी बात? अब है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने किन किन को अपॉइंट किया। अजीज़ खुमर को अपॉइंट किया जो कि एक वाइन बेचने वाले होते थे, ठीक है, फिरूज़ को जो कि एक बारबर थे, मनका जो कि एक कुक थे। तो ऐसे इन्होंने, ऐसे जो छोटे लोग थे जो उस टाइम पे जिनका कोई सोशल रैंक नहीं था, उनको क्या किया, इन्होंने अपॉइंट किया गवर्नर या फिर जनरल के तौर पे। अब उस टाइम पे ज़ियाउद्दीन बरानी, अब जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ऑथर्स होते थे इन लोगों के, उनको त्वरिक कहते थे, तो ये भी ऑथर ही थे, एक क्रॉनिकलर थे। इन्होंने सुल्तान्स के इस चीज़ को इनका लॉस बताया है कि इनके अंदर एक पॉलिटिकल जजमेंट नहीं है या इनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी रूल करने की, तो यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है, ज़ियाउद्दीन बरानी ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है, किस लिए, कि ये स्लेव्स को क्या करते थे, हाई रैंक देते थे। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इससे, इसलिए मैं इतना इलेबोरेट कर करके बता रही हूँ। अच्छा, पहले के सुल्तान्स की तरह कुछ चीज़ें तो खलजी एंड तुगलक मोनार्क ने बिल्कुल कंटिन्यू रखी, जैसे कि मिलिट्री कमांडर्स को एज अ गवर्नर अपॉइंट करते थे और टेरिटरी के साइजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि टेरिटरीज़ जो इनकी फैली हुई होती थी वो सारी कुछ कोई स्मॉल होती थी, कोई बहुत बड़ी होती थी, तो जो वो लैंड होती थी ना, उन लैंड को कहा जाता था इक्ता। समझे मेरी बात? जो टेरिटरी की जो लैंड होती थी उनको कहा जाता था इक्ता। अब इस लैंड को जो होल्ड करके रखता था उसे कहा जाता था इक्तादार या फिर मुक्ति, राइट, आप इसका नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, ओके। और ये मुक्तीज़ जो होते थे या जो इक्तादार होते थे, इनकी ड्यूटीज़ क्या होती थी, ये क्या करते थे, जो कैंपेन्स है ना उसको, मिलिट्री कैंपेन्स है उसको लीड करते थे, और साथ के साथ ये लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करते थे।
जैसे कहीं पे वॉर करना है या किस कहीं पे मिलिट्री की ज़रूरत पड़ी तो ये कमांडर्स वगैरह को प्रोवाइड करते थे, राइट। चेंज में इनको क्या मिलता था राजा से, ये लोग रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करते थे जहाँ पे ये लोग होल्ड कर रहे हैं ज़मीन को, ठीक है। ये कौन होते थे? इक्तादार होते थे। और ये जो मुक्ति या इक्तादार जो होते थे, ये जिन इक्ता पर रहते थे वहाँ पर, जो जहाँ पर इनका होल्ड था वहाँ से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उसी रेवेन्यू से ये अपना भी घर चलाते थे और साथ के साथ जो इनके सोल्जर्स थे उनको भी ये पे करते थे, ठीक है। समझ गए मेरी बात? अब देखिए, अब इनके ऊपर ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने। जैसे कि इनकी जो ये जॉब थी ये इनहेरिटेबल नहीं थी, मतलब इनके बाद ये जॉब इनके बेटों को दी जाए ये ऐसा नहीं था, ठीक है। इनको शॉर्ट पीरियड के लिए रखा जाता था और ऐसी कुछ हार्श कंडीशंस इन पर रिगरसली इम्पोज की गई थी, लगाई गई थी। और देखिए, इन इक्तादार के ऊपर या मुक्तीज के ऊपर भी एक रैंक रखी गई अकाउंटेंट्स की, जो उनको अपॉइंट किया जाता था सिर्फ इसलिए ताकि वो ये देख सकें कि जो मुक्ति हैं क्या वो सही से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर जितना उनको प्रेस्क्राइब किया हुआ है क्या वो उतना ही कलेक्ट कर रहे हैं या उससे ज़्यादा कर रहे हैं। प्रेस्क्राइब मेरा मतलब समझ गए? जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे दूँ तो अगर एक लैंड का बात करें कि उस पर पूरे दिन का कितना रेवेन्यू होना चाहिए, लगा लो 300 रुपीज़ होना चाहिए, तो ये अकाउंटेंट्स इन पर नज़र रखते थे क्या ये मुक्तीज इतना ही कलेक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम। ये अकाउंटेंट ये भी ध्यान रखते थे क्या इन्होंने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स ही रखे हैं या उससे ज़्यादा रखे हैं। तो जो अकाउंटेंट होते थे वो मुक्तीज पर ऐसे कंट्रोल करते थे। अब बात करते हैं सामंताज एंड एरिस्टोक्रेट्स की, सॉरी सामंताज एरिस्टोक्रेट की। देखिए, जो दिल्ली सुल्तान थे ना, ये सामंताज एरिस्टोक्रेट को बोलते थे, एक फोर्सफुली वे से इनको बोला जाता था कि तुम्हें हमारी अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जो सामंताज थे ये और ये अगर हम दिल्ली सुल्तान से पहले जितने भी राजा आए उनके सामंताज क्या होते थे, बड़े खास होते थे, ठीक है। ये सामंताज क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन दिल्ली सुल्तान ने इनके ऊपर भी अपनी अथॉरिटी को इम्पोज कर दिया, अपने अधिकार को इम्पोज कर दिया। तो इन ये जो सामंताज होते थे या जो लोकल चिफ्टांस होते थे इन पर ना टैक्सेस, जो ये ना किसी पे टैक्सेस लगाते थे, ये खुद टैक्स नहीं देते थे। तो दिल्ली सुल्तान ने क्या किया, इनके भी टैक्सेस को कैंसिल कर दिया कि तुम कहीं और टैक्सेस नहीं लगाओ, तुम्हें भी टैक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। अब सुल्तान ने क्या किया, जो ओल्ड चिफ्टन्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रखा, उनका उनको अपना असेसर बनाया। असेसर क्या होता है? जो असिस्ट करता है, जो हेल्प करता है, ठीक है, उसे कहते हैं असेसर। अब देखिए, इम्पोज किया गया टैक्स 3 तरीके से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। जैसे एक तो है खरज, एक है कैटल के ऊपर, एक है हाउसेस के ऊपर। तो खरज की एक बार बात कर लेते हैं, ये कल्टीवेशन के ऊपर लगाया गया कि जितना पीजेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसका 50% किसको जाएगा? किंग को, ठीक है। तीनों टैक्सेस आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए, जो दिल्ली में जब मोहम्मद तुगलक एंड खलजी आए, इन्होंने दिल्ली को जो कैंपेन सेटअप करके सदर्न इंडिया की तरफ एंड बंगाल की तरफ अनेक्स किया। लेकिन क्या हुआ कि इतने दूर के जो प्लेसेस होते थे, जो प्रोविंसेस थे, वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो क्या हुआ कि यहाँ के जो लोकल चिफ्टांस होते थे ना, उन्होंने यहाँ पे अपने जो रूल्स हैं वो इम्पोज करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो अब हम उसी के बारे में नेक्स्ट पेज पे चल के पढ़ते हैं। अब जो अलाउद्दीन खलजी है, मोहम्मद तुगलक है, ये इतना कंट्रोल नहीं कर पाए इतने डिस्टेंट प्लेसेस पे, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर पाते थे अगर कंट्रोल थोड़ा बहुत हो भी पाता था तो सल्तनत जो थे वो यहाँ पर बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं कर पाए। जो फॉरेस्ट थे, जो बंगाल था या जो सदर्न इंडिया, इन्होंने अनेक्स किया था, ठीक है। तो इसके बारे में बस यही दिया हुआ है, और कुछ यहाँ पे एक इबन बतूता का अकाउंट दिया हुआ है। इबन बतूता ने इसमें बताया है कि जो लोकल चिफ्टन्स थे वो कैसे छुपते थे, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका नाम याद रखना और इसने किसके बारे में ये लिखा है ये याद रखना, ओके। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए, जो मंगोल्स अंडर गंगिस खान थे, जो मंगोलिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने ट्रांजोजेनिया पर अटैक किया, कुछ पार्ट पर, ईरान के कुछ पार्ट पर अटैक किया जो कि था नॉर्थ ईस्ट पार्ट, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर भी अटैक किया, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के ऊपर बार बार इतने अटैक हो रहे थे वहाँ से, तो अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक के रेन में सबसे ज़्यादा हुए, तो इन दोनों को एक लार्ज
आर्मी स्टैंड करनी पड़ी और काफ़ी चैलेंजेस इनको देखने पड़े। अब हम नेक्स्ट पेज पे अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक का कुछ डिफरेंस देखेंगे, जिससे हमें फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं और इससे आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी। अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे दिल्ली में दो बार अटैक हुआ, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे भी, और अलाउद्दीन खलजी ने लास्ट स्टैंडिंग आर्मी को रेज़ किया, ठीक है, और ऐसा ही मोहम्मद तुगलक ने किया। अब एक बार लास्ट स्टैंडिंग आर्मी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए लास्ट स्टैंडिंग आर्मी क्या होती है, चाहे तो वॉर हो या फिर पीस हो, मतलब चाहे तो लड़ाई हो या फिर बिल्कुल शांति हो, स्टैंडिंग आर्मी सारा टाइम पर खड़ी रहती है, तैयार रहती है। और जो ये होते हैं किंग होते हैं, ये जो आर्मी होती है इनको रेज़ करते हैं, मतलब को अपने पास रखते हैं, इनके लिए टाउन बनवाते हैं। तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी हो जाती है और यहीं से पता चलता है कि राजा फेलियर रहा है, कि वो उसने राज बहुत अच्छा किया है। तो अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर चलते हैं। देखिए जब इतने लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया आर्मी के लिए, तो उनके लिए एक अलग से टाउन भी बनवाना पड़ा। तो अलाउद्दीन खलजी ने एक टाउन बनवाया सिरी, ठीक है, वो होता है गैरिसन टाउन। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गैरिसन टाउन क्या होता है, आप वीडियोस देखेंगे लास्ट वाले, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गैरिसन टाउन के बारे में मैंने क्या बताया था। ये आप लोगों का काम है ताकि आप लोग इसी बहाने पढ़ पाओ, ठीक है, आप लोग वो वीडियोस देखना जाके और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने वो वीडियो ध्यान से देखी है। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इन्होंने एक गैरिसन टाउन नया बनाने की बजाय जो दिल्ली एक कुहना, मतलब जो ओल्ड दिल्ली थी, कुछ सिटीज़ को एम्प्टी करवा दिया और वहाँ पे जो रहने वाले रेजिडेंट्स थे, ठीक है, और वहाँ पर अपने स्टैंडिंग आर्मी के लोगों को रखा। अब सोचिए इन्होंने कितना गलत किया, क्योंकि इन्होंने जो रेजिडेंट्स थे ना, उन्हीं को वहाँ से निकाल दिया। अब नेक्स्ट करते हैं, अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया, इन सोल्जर्स को फीड कराने के लिए 50% का टैक्स लगाया गंगा एंड यमुना के बीच में। जितना एरिया पड़ता था, पीजेंट्स जितना प्रोड्यूस करते थे कल्टिवेशन में, 50% का इन्होंने कर लगाया, टैक्स लगाया। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि इन्होंने टैक्स तो लगाया, लेकिन इन्होंने एडिशनल टैक्स भी उस पर थोप दिया, ठीक है, एडिशनल टैक्स भी इम्पोज कर दिया। अब एडिशनल टैक्स कर दिया तो अब भाई वो जो कल्टीवेशन करने वाले लोग हैं वो एडिशनल टैक्स कहाँ से लाएंगे, ठीक है, उनको भी तो अपनी फसल के लिए पैसा चाहिए ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, फेमिन हो गया। अब फेमिन हुआ तो मतलब स्केयरसिटी ऑफ फूड, अब खाना कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पर इनकी ये पॉलिसी फेल हो गई और इनकी ये पॉलिसी पास हो गई। नेक्स्ट, अब देखिए इन्होंने सोल्जर्स को सैलरी पे करनी पड़ती थी, ठीक है, तो अलाउद्दीन ने क्या किया, इनको इक्ताज के तौर पे सैलरी नहीं देते थे, मतलब लैंड नहीं देते थे, बल्कि इनको कैश में सैलरी पे करते थे, ठीक है, कैश में सैलरी पे करते थे। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इन्होंने कैश में तो की, लेकिन इन्होंने एक अलग करेंसी निकाल दी जिसे कहा जाता है टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी में इनको हुआ नुकसान। अब देखिए क्या हुआ टोकन करेंसी में, जो 14th सेंचुरी के लोग थे वो बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने इन टोकन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स होते थे उनको अपने पास रखते थे। और इन्होंने जो मोहम्मद तुगलक ने जो टोकन करेंसी पास की हुई थी, ये लोग भी टोकन करेंसी को ही यूज़ करते थे और उसको काउंटरफिटेड भी किया जा सकता था, मतलब नकली बनाए जाने लगे उस टाइम पे और इन्हीं को यूज़ करने लगे, जबकि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को वो जो आम जनता है वो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को अपने पास रखती गई। तो देखिए कितने स्मार्ट निकले, बल्कि ये जो पब्लिक थी वो कितने स्मार्ट निकली, और यहाँ पे इनकी जो पॉलिसी थी फिर से फेल हो गई और अलाउद्दीन खलजी की पॉलिसी फिर से पास हो गई। तो क्रॉनिकल्स ने प्रेज़ किया है कि अलाउद्दीन खलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र थे बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, और यहाँ पे ये बताया है कि जो मोहम्मद तुगलक थे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र्स कितने फेलियर, कितने डिज़ास्टरस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को शिफ्ट करा दिया, गैरिसन टाउन नहीं बनाया, इन्होंने टैक्सेस लगा दिए जिससे फेमिन हुआ, इन्होंने टोकन करेंसी जो कि बहुत ही बेकार पॉलिसी इस टाइम पे आई, तो ये बिल्कुल फेलियर के तौर पे दिखाए हैं और ये सक्सेसफुल रूलर के तौर पे दिखाए हैं। ये था हमारा डिफरेंस और ये पता होना बहुत ज़रूरी है, एक नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे पास्ट में हुआ क्या था, ठीक है।
तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ख़त्म होने वाला होने वाला है बस ये चैप्टर। अब देखिए तुगलक के बाद सैयद एंड लोदी डायनेस्टीज़ भी आती हैं जो दिल्ली एंड आगरा पर रूल करती हैं, लेकिन 1526 तक। फिर आगे छोटी छोटी और रूलर्स आते हैं, छोटे छोटे किंगडम और बनते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर करते हैं शेरशाह सूरी जो थे उनका जो करियर स्टार्ट होता है वो बिहार में जो उनके अंकल हैं उनकी टेरिटरी, स्मॉल टेरिटरी होती है, वहाँ से मैनेजर के तौर पर स्टार्ट होता है। और ये बाद में मुगल एम्पायर जो हुमायूं हैं, इनका नाम याद रखना, हुमायूं को ये हरा देते हैं। और जो हुमायूं हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे, मुगल एम्पायर थे वो। और शेरशाह सूरी ने फिर बाद में दिल्ली को कैप्चर किया और अपनी डायनेस्टी बना ली, सूरी डायनेस्टी, ठीक है। और इनकी जो डायनेस्टी थी वो सिर्फ 15 ईयर्स तक चली, तो ये उनका टाइम पीरियड था 1540 to 1555 उनकी डायनेस्टी का। और सबसे ख़ास चीज़ देखने वाली ये है कि इन्होंने अपनी डायनेस्टी में जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला लेवल या जो पॉलिसी है वो किसकी अपनाई, अलाउद्दीन खलजी की, और बहुत एफिशिएंटली उसको अपनाया और उस तरीके उन पॉलिसीज़ को बहुत एफिशिएंटली अप्लाई किया और इम्प्लीमेंट किया। फिर शेरशाह सूरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी वो बाद में किसने अपनाई, वो अपनाई अकबर ने, ठीक है। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो है मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ये अपनाई थी बाद में अकबर ने। अब जो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत रूल कर रहे थे, तो साथ में फ्रांस में पैरेलल में क्या हो रहा था, अब हम वो पढ़ते हैं। थ्री ऑर्डर्स, वहाँ पे थ्री ऑर्डर्स का आइडिया आया जिसमें सोसाइटी को तीन भागों में बांटा गया। एक तो जो प्रे करते हैं भगवान की, जो चर्च में जाते हैं, और जो लड़ते हैं, और जो लैंड की टॉयलिंग करते हैं, ठीक है, उनको थ्री क्लासेस में बांटा गया सोसाइटी को। अब थ्री ऑर्डर्स को किसने सपोर्ट किया, चर्च ने, ताकि वो अपना रोल दिखा सके सोसाइटी में डोमिनेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक नया वॉरियर ग्रुप एमर्ज हुआ जिसको कहते हैं नाइट्स, ठीक है। अब चर्च ने इस नए ग्रुप को पैट्रोनाइज किया और चर्च ने एक आइडिया को प्रोपेगेट किया, मतलब प्रचार किया कि पीस ऑफ गॉड। अब इस प्रचार में, इस प्रोपेगेशन में क्या बताया कि जो नाइट्स है ना उनको भेज दिया गया एक कैंपेन पे जो मुस्लिम के अगेंस्ट था, और उन मुस्लिम के अगेंस्ट जिसने कौन सी सिटी को कैप्चर किया है, जेरूसलम को, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कैंपेन्स चलाया गया इनके अगेंस्ट, उनको कहा जाने लगा क्रूसेड्स, मतलब एक धर्म युद्ध जिसे कहते हैं। और बस फिर बाद में जो बाद में, पहले तो इन लोगों को नोबल्स के तौर पे नहीं जाना जाता था, लेकिन बाद में जो नोबल्स आए वो भी अपने आप को नाइट्स के तौर पे चाहते थे बनना या जानना चाहते थे कि हमें नोबल्स को नाइट्स के तौर पे जाना जाए। बस यही है इसके बारे में, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं एग्ज़ाम में। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आई नो कि बहुत ज़्यादा लंबा ये सीरीज़ हो चुकी है, ये वाला पार्ट भी काफ़ी लंबा मैंने इलेबोरेट किया है। मेरा सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग जो भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो। जल्दीबाजी में पढ़ने से क्या होगा कि आपका ही नुकसान होगा, आपको लगेगा कि मैंने पढ़ तो सारा लिया है फिर मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर कर पाया, क्योंकि आपने बेसिक नॉलेज और डीप नॉलेज नहीं ली ना इसीलिए। तो आप लोग अपनी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।